हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फिरोज और आप देख रहे हैं फोन फिक्स हैदराबाद, आपका यूट्यूब चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका अपना चैनल है और फोन फिक्स हैदराबाद आपका अपना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी पूरी यूट्यूब और फेसबुक की जितनी भी हमारा परिवार है उन सबको पहले तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा इस वीडियो में, क्योंकि फोन फिक्स हैदराबाद का जो यूट्यूब चैनल है, जी हाँ फ्रेंड्स, वापस आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये गुड न्यूज है आप सभी के लिए, हमारा जो चैनल है फोन फिक्स HYD का वो वापस आ चुका है और हम वापस आ चुके हैं एक धमाकेदार सोल्यूशन के साथ। इसी की खुशी में आज में एक नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ये आपको लाइव रिपेयर करके बताऊंगा। और ये जो हैंडसेट है फ्रेंड पोको M2, जिसका कोई स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, किसी भी आप टूल में देख ले, चाहे बॉर्नियो में, प्रग्मा फिक्स में, किसी में भी इसका डायग्राम नहीं है, और आज मैं इसका आपको सलूशन देने वाला हूं। और ये जो हैंडसेट है, पीछे बैच चल रहा है मेरा 27 नवंबर का और स्टूडेंट है राजस्थान से, और ये हैंडसेट वो अपने साथ लेकर आए हैं और एक साल से उनके पास ये हैंडसेट है। और ये बड़े बड़े इंडिया के 2 से 3 इंस्टीट्यूट जा चुके हैं ये हैंडसेट पकड़ के। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी इंस्टीट्यूट में उन्होंने 50,000 दिए हैं, किसी इंस्टीट्यूट में 60,000 दिए हैं। ये दिल्ली और इसके अलावा MP वगैरह काफी सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जा चुके हैं। स्टूडेंट खुद आपको बताएंगे, उनकी जबान से सुनिए आप कि ये हैंडसेट को लेकर गए, और जब ये हैंडसेट में रिपेयर करूंगा, जो भी टीचर के हाथ में ये हैंडसेट गया था उनको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहां से है। और ये हैंडसेट उन सारे टेक्नीशियन, उन सारे टीचर्स के पास जाकर आया है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में दावा करते हैं सिखाने का। दोस्तों मैं यहाँ पे ये नहीं कहता हूँ कि हम लोग बड़े एक टेक्नीशियन हैं, हम कोशिश करते हैं और कोशिश इतनी लेवल पे कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि हैंडसेट रिपेयर हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, हम टेक्नीशियन है, हमारा काम है कोशिश करना और अच्छे से कोशिश करना, और सबकी अपनी अपनी एक नॉलेज है, सब इंस्टीट्यूट की जितने भी टीचर्स हैं सबका अपना अपना एक लेवल है और अपने लेवल पे वो चेक कर लेते हैं। बट फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, जो बच्चे हैं ये डिसाइड नहीं कर पाते कि जाना कहाँ पे, किस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले। चलिए फ्रेंड्स छोड़ते हैं इस बात को और इस हैंडसेट को चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और ये हैंडसेट राजस्थान से एक स्टूडेंट है हमारे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको हमने ये यहाँ पे रिपेयर करके अभी देंगे और उनका रिव्यू आप बिल्कुल वीडियो के लास्ट में उनका रिव्यू भी सुनेंगे कि वो हैंडसेट लेकर आए, कौन से ट्रेनिंग सेंटर गए थे। बट मैं नाम तो नहीं बताऊंगा इंस्टीट्यूट का, कि किसी भी इंस्टीट्यूट वालों को बदनाम करके उनके बारे में बोल के कोई फायदा है नहीं फ्रेंड्स। अपना काम करके दिखाओ, अपना काम दिखाओ, क्या बेस्ट कर सकते हैं वो चीज हमको करनी चाहिए, और हमारे स्टूडेंट्स कितने अच्छे लेवल पे काम कर लेते हैं वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये हैंडसेट जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं पास बुलाना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पोको M2 का एक हैंडसेट है, मैं अबाउट में जाके आपको बताना चाहूंगा। ये देख सकते हैं पोको M2 और ये 16 GB 64 GB इसमें ये है, 64 GB का इसमें स्टोरेज है। और यहाँ पे अगर नीचे आएंगे फ्रेंड्स, अगर बात करें इसमें, तो मैं सबसे पहले आपको बेसबैंड और IMEI इसमें बताना चाहूंगा। तो बैकअप, इम्पोर्टेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका हम बेसबैंड और IMEI चेक कर लेते हैं, एंड्रॉयड वर्जन, सिक्योरिटी, ऑल स्पेस में आएंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे बेसबैंड इनका ओके है, कोई बेसबैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारों को लग रहा होगा। एक बार IMEI भी नंबर शो करना चाहूँगा, *06, देख सकते हैं इनका IMEI भी ओके है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसमें मैं आपको एक बार सिम भी दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए सिम में जाते हैं, तो सिम में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरटेल का इसमें सिम लग के है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये एयरटेल का सिम इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा सिम में जाने के बाद प्रेफर्ड नेटवर्क में, अगर हम 3G करते हैं तो ये 3G में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। चलिए 2G बैंड में भी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एयरटेल का 2G बैंड में भी चलता है, तो यहाँ पे 2G का भी कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब मोबाइल नेटवर्क्स में एक बार यहाँ पे एक मैनुअली सर्च करके चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा क्या कोई प्रोवाइडर का लिस्ट बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स काफी देर सर्च होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई प्रोवाइडर लिस्ट नहीं बन रहा है, मतलब इसके रिसीविंग सेक्शन में ही प्रॉब्लम है, और जब रिसीविंग ही नहीं हो गए सिग्नल तो ट्रांसमिट तो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने काफी देर तक इसको सर्च करके देखा, ऐसे ही सर्च हो रहा है इसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिस्ट वगैरह नहीं बन रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे
मैनुअल लिस्ट बननी चाहिए। यहाँ पे एयरटेल का सिम डाले हैं तो एयरटेल वगैरह आना चाहिए, 4G के जो बैंड है वो यहाँ पे शो होना चाहिए, बट कोई यहाँ पे बैंड शो नहीं हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी एक बार मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, एक कोड आता है, अगर आपको नहीं पता है तो याद रख लीजिए, *#*#4636#*#*। तो यहाँ पे आप फोन इंफॉर्मेशन में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम है, रेडियो ऑफ, मोबाइल रेडियो यहाँ पे इनका ऑन हो चुका है फ्रेंड्स, तो प्रॉब्लम इसमें यही दिक्कत है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये जो स्टेप्स है मैं बेसिक स्टेप बता चुका हूँ जो कि आपको इंश्योर वाले पैसे लेकर के सिखाएंगे। दोस्तों ये एक फोन फिक्स की तरफ से हम लोग ऐसे फ्री के काफी सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी दिए हैं, मोर देन 1000 वीडियोस हमारे फोन फिक्स HYD के चैनल्स पर है। अगर आप दोनों चैनल की बात करें तो 400-500 से ज्यादा, दोनों में 500-500 वीडियोस है इस तरह के। जितना लोग 4000-5000 रुपए ऑनलाइन में लेकर सिखा रहे हैं फ्रेंड, वो हम सारा कंटेंट फ्री डाल चुके हैं। तो फ्रेंड ये तो हो गई हमारी बेसिक चेकिंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोवाइडर लिस्ट नहीं बन रही है, कोई यहाँ पे हमारा इसका रेडियो भी इसमें ऑफ है, तो वैसे कंडीशन में करना क्या है? अब अगर आप ढूंढेंगे डायग्राम तो स्कीमेटिक में इसका डायग्राम भी नहीं है किसी भी टूल में, क्योंकि पोको M2 का डायग्राम नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसको कैसे रिपेयर किए हैं, क्या चेक किए हैं, बेसिक चेकिंग तो आपको बता दिए। अब फ्रेंड्स ये काफी सारे इंस्टीट्यूट में घूम के आ चुका है, तो ये लोग सारे के सारे ICs भी सारे के सारे चेंज करके देख चुके हैं। जितनी भी ICs होती है फ्रेंड्स, चाहे वो RF IC हो, इसमें जो RF लग के है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको LCD में देख सकते हैं, इसमें जो RF IC है MT6177 सीरीज की, इसमें RF IC लग के है, देख सकते हैं आपको दिख रही होगी। अब इसमें जो 2GPA है यहाँ पे है VC7916, और इसका जो फ्रेंड 4GPA है बिल्कुल बैक साइड में है। तो मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले मैं मदरबोर्ड को ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप बैटरी निकाल लेते हैं, तो थोड़ा सा नजदीक से बताना चाहूंगा, ये कनेक्टर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सिम ट्रे है, देख सकते हैं सिम भी मैंने एयरटेल की डाली है, ये देख सकते हैं सिम ट्रे भी, तो सिम निकाल दी है मैंने। तो चलिए मदरबोर्ड निकाल लेते हैं, इसके बाद मैं आपको 4G का जो PA है इसका ये बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे 4G का PA। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स पेस्ट वगैरह दिख रहा है, ये देख सकते हैं शील्ड वगैरह निकली हुई है, यहाँ पे भी काम किया गया है, ये देख सकते हैं CPU के पास भी इस तरह से शील्ड काट के है, तो काफी सारी जगह पे इन्होंने देखी है। और अगर इस तरह की बात करूं यहाँ पे भी पूरी पतरे सारे निकले हुए, देख सकते हैं कितनी बेदर्दी से यहाँ पे पतरे को खींचा गया है, निकाला गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो ये सारा का सारा काम किया हुआ हैंडसेट है, हालांकि पावर को इन्होंने नहीं छेड़ा है, शील्ड वगैरह लग के यहाँ पे देख सकते हैं। अगर पीछे की बात करूं तो 4G के पास भी ये शील्ड पतरा निकला हुआ है, CPU के पास भी इन्होंने कुछ काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ आया होगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। क्योंकि फ्रेंड्स जब ये काफी सारे इंस्टीट्यूट में जा चुका है, सारे IC ये लोग बदल चुके हैं फ्रेंड्स, सिर्फ IC बदलने से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, छोटी छोटी नॉलेज भी आपको रखनी चाहिए, ट्रैकों की नॉलेज होनी चाहिए, कंपोनेंट की नॉलेज होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात होती है आई स्कैनिंग, आंख से देखना, आंख से देख के कैच करना कि क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिक आपको चेकिंग आनी चाहिए, आई स्कैनिंग आनी चाहिए, और सबसे बड़ा हथियार होता है फ्रेंड्स मल्टीमीटर, ये आपको चलाने आना चाहिए। सिर्फ IC तो फ्रेंड फोन फिक्स हैदराबाद में 3 दिन के अंदर 4G का CPU हम डन करवाते हैं फ्रेशर स्टूडेंट से। अगर वो तरकारी बेच रहा है, फ्रूट्स बेच रहा है, कपड़ा बेचता है, कोई भी फील्ड में, फोन भी हैदराबाद आ जाइए, 4 दिन के अंदर आपसे 4G CPU लगा देंगे, गारंटी है। कोई भी अगर ICO का काम सीखना है तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है ये आपको आना चाहिए, तो आज मैं इसमें यही बता रहा हूं। और फ्रेंड्स यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है, तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक पोको M2 का मैंने यहाँ पे बोर्नियो के अंदर डायग्राम और बिटमैप दोनों यहाँ पे ओपन कर लिया है। जैसा आप देख सकते हैं ये इसका बिटमैप है और ये है इसका हार्डवेयर सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज हार्डवेयर सोल्यूशन के थ्रू हम अभी फॉलो करेंगे, क्योंकि डायग्राम होता तो मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू ही आपको बताता, बट यहाँ पे हमारे पास इसका बिटमैप है और यहाँ पे है सर्किट का जो कि हार्डवेयर सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करूं मैं आपको, जो RFIC 6177 इसको 3 वोल्टेजेस की जरूरत होती है, जिसमें 1.2 का एक वोल्टेज चाहिए और एक और वोल्टेज चाहिए 1.8 का, और एक वोल्टेज चाहिए 1.8 का, जो कि हमारी RFIC जो लग के है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरी एक RFIC लग के है, जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी या क्वालकॉम में हम WTRIC SDRIC बोलते हैं,
और एक्चुअल में होती है ट्रांस रिसीवर, जिसमें ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग का ये काम करती है। तो इसको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, कोई लाइन मिसिंग है, तो आपका ये रेडियो ऑफ कर देगी, या I2C सप्लाई में अगर प्रॉब्लम है तब भी रेडियो ऑफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो सप्लाई आ रहे हैं वोल्टेजेस, अगर बात करूं, एक 1.8, एक 1.2 और एक आ रहा है 1.8, जो क्या आ रहा है, वी आ रहा है वोल्टेज रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, राइट। वी आई जो वोल्टेज होता है, जो कि वोल्टेज इनपुट आउटपुट होता है, और एक RFIC के लिए वोल्टेज RF जो है हमारा 1.2 आता है। इसके अलावा फ्रेंड एक्सोइन की सप्लाई, क्लॉक की सप्लाई आती है इसमें। बाकी अगर बात करें फ्रेंड्स, इसमें बेसबैंड भी इसका अननोन हो जाता है अगर ये IC में कोई प्रॉब्लम आती तो, बट पहले ही मैंने बता दिया इसमें बेसबैंड भी आ रहा है और IMEI भी आ रहा है। तो फ्रेंड हमको स्टार्ट करना है यहाँ से, ये चल हमारा कनेक्टर होता है जो कि हमारा RF केबल यहाँ पे लगता है। इसकी सप्लाई अगर बात करें फ्रेंड्स, ये ऑलवेज आपकी 2GPA में जाती है, जैसा कि यहाँ पे 22 नंबर में आप देख रहे हैं। तो 22 नंबर का जो पिन है, यहाँ से सप्लाई आपकी हो करके इस वाली छोटी सी एक फिल्टर IC के थ्रू यहाँ पे आपको एंटीना तक आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यही लाइन देखते हैं कि ये यहाँ से इस IC तक कनेक्टेड है कि नहीं है। तो बेसिक स्टार्ट करना है आपको यहाँ से कि ये एंटीना से आपकी जो सप्लाई है 8 नंबर इस IC तक जा रही है कि नहीं जा रही है। बीच में एक सीरीज में कॉइल है, यहाँ पे अगर देखेंगे एक कॉइल है और यहाँ पे पैरेलल में भी एक कॉइल लग के है, तो यहाँ तक हमारी ये पहले कंटिन्यूटी होनी चाहिए। उसके बाद ये जो ग्रीन लाइन है आपकी मेन एंटीना की लाइन, यहाँ से होकर 2GPA में 22 नंबर तक जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें हम वोल्टेजेस चेक करने होते हैं, जो कि हमारा VPH वोल्टेज होता है, जो कि सारे 2G और 4GPA में आता है। इसके अलावा VPH के अलावा VIO सप्लाई आनी चाहिए, I2C सप्लाई आनी चाहिए। इसके अलावा APD पावर है, APD मॉड्यूल है, तो उसका एवरेज पावर ट्रैकर की सप्लाई आनी चाहिए, कितना वोल्टेज होता है, क्या होता है, सारी चीज में लाइव क्लास के अंदर स्टूडेंट को चेक करके बताता हूं सर्किट के थ्रू, और PCB के साथ में आपको स्टूडेंट को हम क्लास में सिखाते हैं कहां कहां पे क्या क्या चीजें आनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट बहुत इजीली हैंडसेट को रिपेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एंटीना की चेकिंग आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद में RFIC के वोल्टेजेस आपको चेक करके बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं हम LCD में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरी 2GPA है और एंटीना हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ से इसकी सप्लाई 22 नंबर तक आनी चाहिए, जो कि यहाँ से 3 नंबर पिन तक कंटिन्यूटी होती है, इस IC तक पहले यहाँ से कनेक्ट होना चाहिए। तो मल्टीमीटर को रख लेते हैं हम बजर मोड पे, मल्टीमीटर यहाँ पे रखना चाहूंगा मैं, और रेड प्रोब ग्राउंड करना है या कूल टेस्टिंग में, या ट्रायल ट्रेसिंग कर रहे हैं आप सप्लाई की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, रेड प्रोब मैंने ग्राउंड कर दिया है, और यहाँ पे अगर चेक करो फ्रेंड्स, तो देखिए कोई यहाँ पे बजर वगैरह नहीं आ रहा है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं शो रहा है। अगर ग्राउंड के साथ बताऊं तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.1.2 का आपको रीडिंग मिल रहा है, GR मिल रहा है, ओम्स मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ से इस वाले कॉइल के साथ ये कनेक्टेड होनी चाहिए, और आईसी के यहाँ पे अंदर 8 नंबर तक ये पिन यहाँ तक कनेक्टेड होनी चाहिए। तो फिर इस आईसी का जो GR है वो किस वाले कॉइल तक आता है, अगर मैं बात करूं तो ये देख सकते हैं आईसी का GR, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा 530 का GR। उसके बाद यही लाइन यहाँ तक भी आ रही है, उसके बाद यही सप्लाई हमारी यहाँ पे भी मिल रही है। देखिए यहाँ तक बदर बता के बताना चाहूंगा, देख सकते हैं यहाँ तक तो ये दोनों कनेक्टेड है, अगर बात करूं यहाँ तक 530 और यहाँ पे भी 530, बट यहाँ से ये सप्लाई यहाँ तक आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्पोनेंट मिसिंग है। मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से जूम करके बताना चाहूंगा आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉइल एक होता है जो कि मिसिंग है, उसके बाद यहाँ पे भी एक कॉइल आना चाहिए जो कि मिसिंग है यहाँ पे भी, और क्योंकि यहाँ पे कॉइल आना चाहिए वो भी मिसिंग है, और यहाँ पे कॉइल आना चाहिए, ये ट्रैक यहाँ से मिसिंग है एंटीना की। सबसे पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये आपको डायग्राम में बताना चाहूंगा कि डायग्राम में भी मिसिंग है कि नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे इसी चीज को मैं यहाँ पे साइड में डायग्राम में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसका जो एंटीना है ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉइल मिसिंग है, और एक सीरीज वाला कॉइल मिसिंग है, और एक पैरेलल वाला कॉइल मिसिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉइल को मैं यहाँ पे लगाता हूँ पैरेलल में, और एक सीरीज में यहाँ पे कॉइल लगा। तो सबसे पहले ये दो कॉइल यहाँ पे लगाएंगे हम, तो कॉइल लगाएंगे कहाँ से, तो हम ले लेते हैं एक स्क्रैप बोर्ड, और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, तो इसमें से मैं निकालूंगा। तो ऊपर आप देखिए, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ दो कॉइल्स। तो सबसे पहले कॉइल्स को चेक करना होगा मुझे, तो
चलिए यहाँ से हम कॉइल लगा देते हैं। तो कॉइलों को पहले चेक करेंगे कि कॉइल कहाँ पे लग के है। तो जो कि हमारे ये आरएफ देख रहे हैं आप 4G का, तो ये तो हमारा कॉइल नहीं होता है, ये नीचे वाला। तो चलिए ये तो हो गया कॉइल एक, और एक मिल गया मुझे। चलिए ये कॉइल उठा लेते हैं, और ये नीचे वाला, ये नीचे वाला। और अगर बात करें तो ये भी मैं ले सकता हूँ, या ये दो ले लेते हैं। तो दो कॉइल सबसे पहले चाहिए, तो ये दो कॉइल ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ से। देखिए एक कॉइल मैंने निकाल लिया यहाँ से, और एक और एक कॉइल निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, दो कॉइल मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं, और अब हम ये दोनों कॉइल सबसे पहले लगाएंगे अपने वाले मदरबोर्ड में। देखिए यहाँ पे मिसिंग है, तो एक कॉइल तो हमारा लगेगा इस तरह से सीरीज में, और एक दूसरा कॉइल हमारा लगेगा पैरेलल कनेक्शन। तो दोनों कॉइल इस तरह से यहाँ पे पहले लगा लेते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों कॉइल मैंने लगा लिए हैं। उसके बाद हम कनेक्टर पे चेक कर लेते हैं, जो एंटीना का हमारा सॉकेट है उस पे चेक कर लेते हैं क्या हमारा ट्रैक सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ से मैं चेक करना चाहूँगा। तो एक बार साफ करके आपको बताता हूँ, क्योंकि साफ नहीं दिख रहा है वहां पे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये हमारा ट्रैक अभी सही हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कॉइल लग चुका है, और यहाँ पे भी जो हमारा ग्राउंड है 0.07 के आसपास GR आ रहा है। तो यहाँ से तो फ्रेंड्स हमारा ट्रैक देख सकते हैं यहाँ तक करेक्ट हो चुका है, यहाँ तक तो ये हमारी सप्लाई यहाँ तक सारी करेक्ट हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट देखेंगे हम RFIC के वोल्टेज, इसको देखते हैं। मोबाइल को ऑन करेंगे और सारे वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे जो 1.8 और हमारा जो के 1.8 और 1.2 यहाँ पे बनने चाहिए, ये एक VIO देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बैटरी और चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे हमको वोल्टेज मिलना चाहिए। उसके बाद इस वाले बड़े कैपेसिटर पे देखते हैं 1.2, उसके बाद यहाँ पे पास में देखेंगे आपका 1.8, तो तीन वोल्टेजेस आने चाहिए। चलिए इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ PCB में लगा लेता हूँ फोल्डर में। उसके बाद नेक्स्ट आगे काम करते हैं कि हमारे वोल्टेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैटरी लगा चुका हूँ, और बैटरी के साथ साथ टाइप सी का चार्जर है, तो एक टाइप सी का चार्जर लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारे 1.8 के जो वोल्टेजेस है वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो मल्टीमीटर रखेंगे DC 20 में, और यहाँ पे हम जो चेक करने वाले हैं अभी RFIC के पास, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे VIO का वोल्टेज, जो कि हमारा इस वाले रजिस्टर पे आने चाहिए। ठीक है, तो ये दो रजिस्टर एक सीरीज में रजिस्टर है, वहां पे चेक कर लेते हैं कि VIO 1.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए ब्लैक प्रोब ग्राउंड करेंगे,
और इस वाले रजिस्टर पे दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हमारा 1.8 वोल्टेज मिल रहा है जो कि इस कैपेसिटर के थ्रू होकर के इस आईसी में जाता है, तो ये वाला तो हमारा वोल्टेज ओके है। इसके बाद अब दूसरा वोल्टेज देखते हैं हमारा VRF 1.8 जो कि इस वाले कैपेसिटर पे आना चाहिए, यहाँ पे जो देख रहे हैं हम। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे देखिए अभी क्योंकि मोबाइल बंद कंडीशन में है, यहाँ तो कोई वोल्टेजेस नहीं मिल रहा है, तो ऑन करने के बाद मिलना चाहिए। और ये जो बड़ा कैपेसिटर दिख रहा है इस पे भी हमको यहाँ पे भी 1.8 आने चाहिए जो कि नीचे के साइड में आने चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं है। तो एक बार मोबाइल को ऑन कर लेते हैं और ऑन करते हैं और ऑन करके चेक करते हैं, और इसमें चलिए सिम भी लगा लेते हैं। तो सिम भी लगा के चेक करते हैं कि हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारा प्रोसेस आपको एक अच्छे से मोबाइल बनाने के लिए करना होगा फ्रेंड्स, तभी जा करके आप अच्छा मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं। चलिए सिम मैंने लगा लिया है और अब मोबाइल को ऑन कर लेंगे। तो एक बार तो चलिए मोबाइल तो हमारा पोको M2 ऑन हो रहा है, और ऑन होने के बाद यहाँ पे वोल्टेजेस चेक करना है फ्रेंड्स। चलिए मैं ऊपर बताता हूँ आपको, देखिए उसी वाले कंपोनेंट में चेक कर लेते हैं। एक तो चेक कर लेते हैं इस वाले कैपेसिटर में, ये देख सकते हैं 1.2 के आसपास वोल्टेज आ रहा है और दूसरा वोल्टेज आना चाहिए यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे तो कोई वोल्टेजेस नहीं मिल रहा है ये देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा वोल्टेज आ गया और आगे चला गया इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मोबाइल पूरी तरह से ऑन हो जाए तो चेक कर लेते हैं एक बार क्या वोल्टेज हमारा आता है क्या ऑन होने के टाइम पे, तो आगे चला गया, यहाँ तो आएगा 1.8 का आसपास। और दूसरा सिर्फ 1.8 ही मिल रहा है हमको, बट यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, आके चला गया, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं। तो इसके बाद इस कैपेसिटर के बाद फ्रेंड्स ये वोल्टेज जो था हमारा इस आईसी में जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी तक बताना चाहूंगा आपको, जो हम कनेक्टर है, कनेक्टर तो हमने सही कर दिया था, बट अभी भी कोई यहाँ पे नो सर्विस का ही एरर आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं नो सर्विस बता रहा है। तो हमारा कनेक्टर तो हमने ओके कर दिया है, तो एक बार मैं यहाँ पे फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा वोल्टेज है वापस यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे देखना चाहूँगा तो यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है मोबाइल ऑन करने के बाद में। तो दोस्तों यहाँ पे जो कैपेसिटर हमने देखा है, इस कैपेसिटर के बाद ये वोल्टेज आईसी में जाना चाहिए। तो यहीं पे मैं बताना चाहूंगा आपको, इस कैपेसिटर के बाद यहाँ पे एक 0 ओम्स का रजिस्टर लगा के है जो कि यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे वो रजिस्टर मिसिंग है जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे एक कंपोनेंट मिसिंग है, और मुझे यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट और भी मिसिंग लग रहे हैं जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे कंपोनेंट इसमें निकले हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो सबसे पहले हमारा जो लाइन है ये लाइन इस कैपेसिटर के बाद यहाँ पे आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से आईसी में जाना चाहिए। बट सबसे पहले यहाँ पे एक जम्पर करते हैं रजिस्टर को, तो मैं बोर्ड वापस से ओपन कर रहा हूँ। देखिए अभी भी कोई नेटवर्क नहीं है, नो सर्विस का ही आपका एरर शो कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नो सर्विस ही है अभी भी। तो चलिए मोबाइल को मैं ऑफ कर लेता हूँ, तो क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे कंपोनेंट मिसिंग होने के कारण भी प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई आईसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, वह आईसी तो लगाई है इन्होंने। तो चलिए इसको मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप अच्छे से देखिए, इसको मैं मैच करूँगा मेरे हार्डवेयर सोल्यूशन में। तो जैसे मैं यहाँ पे मैच करता जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, ये देख सकते हैं ये कैपेसिटर के बाद यहाँ पे एक रजिस्टर होना चाहिए जो कि मिसिंग है। और इसके अलावा अगर यहाँ से बात करूँ 5, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 3, 4 है, यहाँ का एक क्वाइल मिसिंग है, यहाँ पे एक क्वाइल होना चाहिए, यहाँ पे एक 0 ओम्स का रजिस्टर होना चाहिए, एक क्वाइल मिसिंग है और रजिस्टर मिसिंग है। और इसके आगे बढ़ते हैं, तो जैसे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 क्वाइल यहाँ पे चाहिए, तो एक क्वाइल यहाँ पे भी मिसिंग है, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये भी एक क्वाइल निकला हुआ यहाँ पे है। इसके बाद अगर मैं और भी अगर देखना चाहूँ, तो ऊपर आने के बाद
यहाँ पे जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 0 ohms का रजिस्टर मिसिंग है, यहाँ पे एक क्वाइल मिसिंग है, उसके बाद यहाँ पे भी एक क्वाइल मिसिंग है। इसके अलावा अगर बात करूं फ्रेंड्स आपको, तो यहाँ पे भी एक होना चाहिए, यहाँ पे भी एक क्वाइल मिसिंग है। इसके अलावा अगर बात करूं तो यहाँ पे भी एक क्वाइल होना चाहिए, ये भी यहाँ से निकला हुआ है। इतने सारे निकल तब जाते हैं फ्रेंड्स जब ये आईसीयां बदल रहे हैं, इसको क्लीनिंग करते हैं या ये पतरा निकालते हैं आप लोग ट्वीजर वगैरह अंदर डाल के, तो ये निकालने के टाइम पे ये क्वाइल्स उखड़ जाते हैं इसमें से और सारे कंपोनेंट वॉश करने में साफ करने में निकल जाते हैं। उसके बाद आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा क्वाइल किधर से है। तो इसको मैं फॉलो कर रहा हूं फ्रेंड्स यहां से हार्डवेयर सॉल्यूशन और इसके थ्रू मैं देख रहा हूं यहां पे क्वाइल मिसिंग है, ये वाला क्वाइल यहां पे नहीं है। अगर उसके बाद मैं नीचे आऊं तो अगर से इस छोटी सी आईसी के बाद यहां पे क्वाइल मिसिंग है, देख सकते हैं ये वाला क्वाइल भी मिसिंग है। इसके अलावा ये एक रजिस्टर मिसिंग है 0 ohms का, ये देख सकते हैं मैं 0 ohms का रजिस्टर यहाँ पे मिसिंग है और यहाँ पे क्वाइल आना चाहिए, ये भी एक मिसिंग है। तो ये सारे डालना होगा फ्रेंड्स तब जाके आपका ये काम करेगा। इसके बाद भी हो सकता है कोई आईसी सही से ना बैठी हो, हो सकता है कोई सीपीयू का भी फॉल्ट हो। तो सबसे पहले हम ये सारे कंपोनेंट डालते हैं, उसके बाद इस आईसी के आसपास का हम वीपीएन वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके बाद हम जा करके इस आईसी पर भी काम करेंगे। वोल्टेजेस तो नहीं बन रहे, सिर्फ एक 1.8 का यहाँ पे VIO मिल रहा है, यहाँ 1.2 मिसिंग है और यहाँ पे एक 1.8 मिसिंग है। इसका 4 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी देखेंगे। बट फ्रेंड्स मैंने इसको क्यों देखा, क्योंकि ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट जाकर आ चुका है और लोगों ने इस पे काम कर दिया है, तो ये 4 वोल्ट जो है बेसिकली यहाँ पे मिलता ही है आपको, तो वो चीज है आपकी। तो ये जो बड़े बड़े कैपेसिटर्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको 4 वोल्टेजेस मिल जाते हैं, तो वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, या तो इसे जम्पर करिए या तो यहाँ पे कंपोनेंट रिप्लेस करिए, दो चीज कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जम्पर करना। तो यहाँ पे एक चाहिए, यहाँ पे एक चाहिए, उसके अलावा यहाँ पे भी चाहिए। तो ये सारी चीज जम्पर करते हैं। तो जम्पर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा लेड का। अगर आप चाहो तो आप कंपोनेंट भी रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक 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 करके मैं करूंगा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो इतने सारे मिसिंग तब हो जाते हैं फ्रेंड्स जब आप प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, तो ऐसे ही होगा आपके पास। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कंपोनेंट रिप्लेस ही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉइल्स है तो मुझे इतने सारे जम्पर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो मल्टीमीटर को करेंगे बजर रेंज में और कॉइल्स को चेक करेंगे बजर में। एक ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, एक दो तीन ले सकता हूँ, चार मतलब एक दो तीन, ये तीन तो उठा लेता हूँ पहले। सबसे पहले तो एक दूसरा स्क्रैप बोर्ड है इसमें से मैं निकाल लेता हूँ। फ्रेंड्स ये सब आपको नॉलेज सीखनी है, अगर हैंड स्किल का काम सीखना है आप ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। टोटल 3 कॉइल निकालने हैं अपने को यहाँ से, 2 और 3 कॉइल मैंने निकाल लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दिख रहा होगा आपको। तो ये 3 कॉइल हमको डालना है इस वाले बोर्ड में, तो कहाँ कहाँ डालेंगे स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताऊँगा। एक तो डालना है यहाँ पे, ठीक है, एक कॉइल मैंने डाल लिया है।
और दो मेरे थोड़ा सा ईयर पे चले गए, तो इनको मैं वापस लेके आ गया। ठीक है, अब मुझे एक और डालना है, तो इनको पहले थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। अब एक तो मुझे यहाँ डालना था जो कि मैंने डाल दिया, अब एक 0 ohms का रजिस्टर तो यहाँ पर डालना है, और एक कॉइल इन दोनों के बीच में डालना है। तो जो दूसरा वाला कॉइल है हमारा, यहाँ लगाना है हमको इसके बीच में, तो यहाँ पे एक लगाएंगे। थोड़ा सा पेज ज़्यादा है तो ये चिपक के आ जाते हैं। चलिए एक कॉइल यहाँ लगा देंगे, और एक एक जो हमारा कॉइल है यहाँ पे लगाना है एक। तो सबसे पहले ये 2 डाल देते हैं, उसके बाद एक 0 ohms का रजिस्टर भी डालेंगे। ठीक है, अब एक 0 ohms का रजिस्टर चाहिए हमको, तो 0 ohms का जो रजिस्टर है यहीं से कहीं से उठा लेते हैं। इस वाले हैंडसेट को आज खाली कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 ohms का रजिस्टर मुझे मिल गया, तो मैं अभी निकालूंगा इस वाले बोर्ड में से। देख सकते हैं ये रजिस्टर मैंने उठा लिया यहाँ से, और इसको डाल देते हैं हमारे बोर्ड में, जो कि यहाँ पे 1.2 का वोल्टेज आना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे भी एक हमको कॉइल लगाना होगा, तो एक और कॉइल इसमें से निकाल लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे एक कॉइल मुझे मिल गया फ्रेंड्स, तो मैं इसको निकाल लूंगा बीच वाले कॉइल को। चेक कर लेते हैं कि कॉइल है कि नहीं है। ठीक है, कॉइल ही है, तो इसको भी ले लेंगे, और इसको अपने को डालना है यहाँ पे। परफेक्ट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारे कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे बिठा दिए हैं। 3 के नीचे एक और होना चाहिए यहाँ पे, मतलब कैपेसिटर के बाजू में 2 कॉइल्स होने चाहिए, तो यहाँ से भी एक मिसिंग है, तो इसको भी देख लेते हैं। और ऊपर 2 में से एक नीचे यहाँ पे मिसिंग है एक और, एक 2 3 4 5 में से 1 2 3 4 एक और कॉइल हमको यहाँ पे डालना है, 3 4 5। तो यहाँ पे एक कॉइल आएगा आपका, और आएगा एक और कॉइल यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी एक मिसिंग है, तो 2 कॉइल और हमको चाहिए। 1 2 3 4 5 कॉइल तो हमने डाल दिए, अब एक 2 कॉइल और चाहिए, तो 2 कॉइल और इसी में से निकाल लेते हैं। तो इसमें से निकालने के लिए मैं यूज करूंगा मल्टीमीटर। ये कॉइल मिल गया मुझे, ये तो कॉइल है, तो
एक कॉइल और ये एक कॉइल, ये ऊपर वाला और यहाँ से ये ऊपर वाला, ये दो कॉइल निकाल लेते हैं यहाँ से फटाफट। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं वीडियो को बिल्कुल भी पॉज नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू वीडियो चला रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं एक यहाँ से मैंने निकाला, एक यहाँ से, दो कॉइल मैंने ले लिए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और इन दोनों को हम डालेंगे हमारे बोर्ड में जो कि यहाँ पे मिसिंग है, जो हमारे स्टूडेंट्स लेकर आए। इस तरह के बोर्ड काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में जाकर जब आते हैं तो ऐसे ही करना पड़ता है। फ्रेंड्स होता क्या है कि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो ऐसे ही सेट घूमता रहेगा और कोई इसे रिपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट में फ्रेंड्स जो होता है ऐसे ही बताया जा रहा है बच्चों को, प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण सेट कभी आपका बनेगा नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सारे कंपोनेंट मैंने डाल दिए हैं। फ्रेंड्स मैंने कैसे डाले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख के मैं डाल रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी कुछ यहाँ पे मिसिंग कर दिए, तो चलिए सबसे पहले इसको मैं एक बार साफ करके बताता हूँ आपको कितने सारे कंपोनेंट इसमें मिसिंग थे। आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे कॉम्पोनेंट हमने डाल लिए हैं। एक बार मैं ये चेक करना भी चाहूंगा, तो सारे कंपोनेंट हमारे हमने डाल लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार इसको पीसीबी में फिट कर लेते हैं और फिट करके ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे डिस्प्ले और दोनों कनेक्टर्स लगा लेते हैं चार्जिंग का, और यहाँ पे सिम, ये जो हमारा आरएफ केबल है इसको भी लगा लेते हैं। और ये मेरे पास एयरटेल का सिम है, मैं इसको वापस डाल देता हूँ, ये इंस्टीट्यूट का ही सिम है, सिम डाल दिए। एक बार ये बैक कवर भी मैं लगाना चाहूँगा क्योंकि नेटवर्क के लिए। एक बार बैटरी का कनेक्टर भी लगा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक बार उसको ऑन करेंगे। तो ऑन करके देखेंगे तो हो सकता है नेटवर्क ना भी आए, हो सकता है आईसीयू में भी काम हो, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप काम करते हैं तो आपको आगे तक सोच के रखना है, कोशिश करते रहना है, थोड़ा थोड़ा काम करना है और देखते रहना है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि अंदाजे पे काम करेंगे और सीपीयू तक सीधा खोल देंगे, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हो जाएगा काम हमारा। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे सिम तो हमने लगा लिया है, हो सकता है सिम आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा एयरटेल का नेटवर्क जो है आ चुका है और यहाँ पे नेटवर्क भी फुल शो हो रहा है। तो चलिए एक बार कॉल कर लेते हैं और कॉल करके देखते हैं कि हमारा जो कॉल है वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास एक और फोन है, इस पर मैं कॉल करना चाहूँगा, उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा कॉल लग जाए तो हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कभी कभार और भी कुछ काम करना पड़ जाए, हालांकि नेटवर्क तो शो हो रहा है और यहाँ पे इस नंबर पे हमने कॉल कर लिया है, तो कॉल कर लेंगे भी चेक करेंगे क्योंकि पूरा इसके एंटीना वगैरह नहीं लगा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा कॉल आ चुका है और मैं आपको यहाँ रिसीव करके ही बताना चाहूंगा। हेलो 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 हेलो, जैसा कि फ्रेंड्स हेलो हेलो, फोन फिक्स हैदराबाद हेलो हेलो। तो फ्रेंड्स हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा एक स्टेप बाय स्टेप हमने आपको काम करके बताने की कोशिश की है, इसके आगे भी बहुत कुछ है, 2GPA के पास चेकिंग करनी है, 4GPA के पास चेकिंग करनी है। लेकिन फ्रेंड्स जब आप काम करते रहते हो रेगुलर तो आपके पास एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे कोई काम किया है, क्योंकि जब दोस्तों दूसरे हैंडसेट, एक हैंडसेट दूसरे टेक्नीशियनों के पास जाके आया है, टेक्नीशियन नहीं फ्रेंड सॉरी टीचर्स के पास जाकर आया है, तो बहुत कुछ ये काम कर चुके थे, तो मैंने इसको आई स्कैन से देखा कहाँ कहाँ पे कुछ कॉम्पोनेंट मिसिंग है क्या। दोस्तों छोटी छोटी चीजों में बहुत कुछ छुपा होता है, हम डायरेक्ट आईसीयू पे काम करने चले जाते हैं, 4G का जो इसमें नेटवर्क का जो प्रॉब्लम था सीधा सीधा सीपीयू उठा देते हैं,
या फिर प्रोग्रामिंग कर लेते हैं या फ्लैशिंग करने की कोशिश करते हैं या फिर सीधा सीधा डायरेक्ट आईसीएम को बदल देते हैं, आरएफआईसी बदल दिए, 2G 4G पीए बदल दिए, तो ये काम होने वाला है नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि प्रॉब्लम एक छोटे से रजिस्टर की वजह से भी आ सकती है, एक कॉइल की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है या कनेक्टर की वजह से भी आ सकती है, कहां से आ सकती है स्टेप बाय स्टेप आपको ये देखना है। अगर आप एक अच्छे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो सारी चीज देखिए, स्टेप बाय स्टेप काम करिए, तब आपका सोल्यूशन होगा। और अगर अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं तो आ जाइए फोनफिक्स हैदराबाद, यहाँ पे बैठा है आपको सिखाने के लिए। हमारी एक पूरी टीम है जो बच्चों को ट्रेनिंग देती है और 20 दिन ट्रेनिंग देकर के उनको तैयार करते हैं। अच्छे से सीखना है, ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। लेकिन वो बैठ के करने वाले भी तो उनको नॉलेज रहना कि करना क्या है। मैं आपको बताता हूँ छोटी छोटी चीजों से क्या होता है। मोबाइल बंदा नेटवर्क आ रहा है इधर पे आ गया, तो अभी एक बार मैं करा क्या वो आपको बताता हूँ। आपका नंबर बोलो। करना क्या रहता है, अपने को मोबाइल को लेके माइक्रोस के अंदर फोकस करना है। क्या करना है, का हार्ट की बाईपास सर्जरी करना है, लेकिन रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम था, तो मतलब आरएफआईसी को जो सप्लाई मिलना था वो नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जम्पर लगाए थे। ठीक है, इसके ऊपर ये दो कंपोनेंट मिसिंग थे यहाँ पे, पहले तो मैं ये अब ये मिसिंग मैं कैसे पकड़ा वो बताता हूँ आपको, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, तो एक बार इनके लिए क्लियर कर दो, मेहनत करके।